السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. बस मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। इसमें साउंड रखना। हाँ
کے سنتے ہیں کہ محشر میں وہ ماحول بننا چاہیے. سنتے ہیں کہ محشر میں نبی سے محبت ہے, اگر اچھی محبت ہے تو یاد رکھیے گا, آپ کی محبت سے سبحان اللہ کہیے گا. میں چاہتا ہوں کہ ماحول بنے, مشاعرہ ہمارا اٹھ کر آسمانوں میں سفر کرے. میں کچھ محنت کرنا چاہتا ہوں, آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو لب تو بنائے اور گر ان کی رسائی ہے لو لب تو بنائی ہے. آپ یہ جان لیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں, اور جتنا شاعر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے اچھا شعر کسی کے پاس میرے خیال سے نہیں ہوگا. شعر سناتا ہوں, سماعت کریں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. شریف خانقاہ فریدیاں
लो जब तो माइक वाले भाई साहब, ये मेरी तरफ से आपका नजराना, लाजवाब आप माइक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा माइक है। सलामत रखिए अल्लाह, माशाल्लाह। मनी डॉट पर सलाम बड़ा करना। घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मैं देख रहा हूँ सारे लोग नहीं बोल पाए, एक शेर सुनाता हूँ आला हजरत का, इंशाल्लाह दीवाना तब जाएगा क्योंकि शेर ही ऐसा है। हजरत तशरीफ करते हैं, हजरत को देखते हो शेर समा करें। अरे उनकी रसाई है, लो जब जो बनाई है। अरे उनकी रसाई है, लो जब जो बनाई है। आप जान लें कि इश्क नबी ही असल ईमान है, है ना। इश्क अगर दिल में है तो सब कुछ सही है, और अगर इश्क नहीं तो सब बेकार। एक शेर आला हजरत का समान है, तस्लीम भाई शेर समान कीजिएगा। मोहब्बत के साथ एक बार कहेंगे सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत के साथ है। हमारे उधर के लोग बैठे हैं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं बोल पा रहे। बस आपसे गुजारिश है, आप भी बोल देंगे बड़ा मजा आएगा। आप याद रखे, मरने के बाद भी मेरे लिए आप दुआ करेंगे कि नदी वैसी ने मुझे सुभान अल्लाह कहलवाया था जो मरने के बाद का वादा। आप याद रखे, जितना जी चाहे मोहब्बत जी भर के मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। घर उनकी रसाई है, लो जब जो बनाई है। घर उनकी रसाई है, लो जब जो बनाई है। अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे।
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पिछले साल मुझे दावत मिली थी, मैं नहीं पहुंच पाया था। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे पहुंचना था किसी भी हाल में। इंशाल्लाह ताला इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे लोग वहाँ मिलते हैं, वहाँ इंशाल्लाह हुक्म होते हैं, इंशाल्लाह बंदा हाजिर हो जाएगा। हल्कर भाई एक शेर और समा कर लीजिए, कहने सुभान अल्लाह और हम अल्लाह सुभान अल्लाह कर उर की रसाई है, लो जब दो बनाई है, कर उर की रसाई है, लो जब दो बनाई है, कि मुझे तो नशर तैयार है आप लोग? सारे लोग तैयार हैं? अच्छा, हमारे भाई ने जो कहा है वो तो
सुनाया जाएगा, लेकिन अभी जो मैं दो तीन शेर सुनाने वाला हूँ, अगर आप तैयार हैं वाकई और हजरत हजरत मौजूद हैं, हजरत के वाकई आप दीवाने हैं, तो दोनों हाथ हजरत के नाम के फजा में लहराए और कहते हैं या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज, जितना आपने लंगर लाया है, इतनी ताकत आपके अंदर है, उतनी ताकत आप मोहम्मद के साथ बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार आप खामोश रहिएगा, ठीक है, एक बार मैं चेयरमैन अगर आपको आजमा के देख लेता हूँ, इनमें कितना दम है। कुर्सी मिलने के बाद लोग खामोश हो जाते हैं। अब मैं देखता हूँ ये लोग कुर्सी नहीं है, ये भाड़े वाली कुर्सी है। मैं इन लोगों को देखता हूँ, ये नबी के सच्चे दीवाने यहाँ बैठे हुए, आप लोग खामोश रहे, एक बार आप लोग कह दें या रसूल अल्लाह। अरे अरे तो लाजवाब, ये तो भारी पड़ रहा है आप लोग। एक बार आप एक काम करिए, आप कहिए मैं देख रहा हूँ, एक बार आप बिल्कुल कम नहीं है, आप लोग कम बिल्कुल नहीं है। वाह वाह, जब हजरत की जबान से ये बात निकल गई है कि एक जगह सब आ जाते तो बस आ जाते, जब हजरत कह दिया है तो आप लोग आ जाइए। वाह 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 वाह, कोई किसी से कम नहीं, बहुत बहुत दीवाने माशाल्लाह। अच्छा जो लोग खड़े हैं वहाँ पे, आप लोग भी किसी से कम नहीं, मुझे मालूम है आप भी दीवाने हैं, आप भी आके बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। अच्छा इधर आइए आप लोग, वहाँ इधर इधर सामने, इधर इधर जगह बहुत है, सामने आ जाइए, मजा आ जाएगा। आप लोग जगह दीजिए उनको, इधर आने के लिए जगह दीजिए। वाह माशाल्लाह, सामने आप लोग, और जो लोग उधर खानकाह शरीफ में बैठे हुए हैं वहाँ पे, देखिए उनसे मेरी गुजारिश है, वहाँ बैठने की यहाँ पे जगह फिलहाल नहीं है, आप यहाँ आके बैठिए। अरे यहाँ आके बैठिए मोहम्मद के साथ, याद रखें आप मेरे नबी को, नबी की महफिल को सजाएंगे, अल्लाह के रसूल आपके दिल को सजा देंगे, आपके घर को सजा देंगे। डॉक्टर संजय कलकत्ती साहब की मिला, एक मतला पढ़ता हूँ, एक मतला पढ़ के देखता हूँ इनमें अगर वाकई दम होगा तो एक शेर सुनाऊंगा और मनकबल जरूर सुनाऊंगा, इंशाल्लाह मनकबल सुनाऊंगा। अगर एक मतला पढ़ के देखता हूँ, अगर वाकई मतलब होगा हजर भाई तो इंशाल्लाह मशा बोलेगा।